ये जो 400 का नारा दे रहे हैं, 400 का नारा झूठा है। ये अपना जो एक अंदर जो चोर होता ना, चोर उसको बाहर निकाल रहे हैं। सिर्फ हमारा एक मेन मकसद है बीजेपी को हराना। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बीवी बच्चे वाला आदमी हो तो वो समझ सकता है कि परिवार कैसे चलता है। मोदी के बीवी बच्चे तो है नहीं, वो क्या समझे किसी का दर्द जो है। मोदी जी ने 10 साल में सिर्फ जुमलों के अलावा कोई काम नहीं करा। मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री बना रहा है। प्रधानमंत्री बातें बनाओ, पहले 10 साल में आपने क्या काम करे वो बताइए जनता को। काम कुछ नहीं करा है मनोज तिवारी, सिर्फ नाचने गाने में लगे हुए हैं। अरे आपको जनता ने 10 साल दिए, 10 साल में आप जनता को काम करके दिखाते हैं। इसको लूटा है। आप विकास कहाँ किया? उन्होंने विकास, इन्होंने तो हिंदू मुसलमान किया। मोदी राज में तो महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। आपका जो वोटिंग पॉलिंग होता है, ये बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने रोजगार दिया बल्कि रोजगार छीन लिया लोगों का। बीजेपी राज में हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आपका क्या लगता है आपको चुनाव के बारे में? क्या लगता है 25 को चुनाव होने वाला है? क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन आ सकती है? अभी मोदी की जो कह 400 की बार हो सकता है, पक्का आएगी? पक्का आएगी एनडीए सरकार, पक्के। ये जो 400 का नारा दे रहे हैं, 400 का नारा झूठा है। ये अपना जो एक अंदर जो चोर होता ना, चोर उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये इन्हें पता कि हम हार रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि हमने काम ऐसा किया, हमने विकास किया, उसके आधार पे हम 400 के पार जा सकते हैं। कोई विकास नहीं करा, सिर्फ पेपरों में हुआ है। कोई विकास जमीन पे नहीं आया है। जो भी विकास हुआ वो सिर्फ पेपरों में हुआ है। अभी तक रोजगार ले लो, किसी चीज में ले लो, जो भी हुआ है वो सिर्फ पेपरों में दिखा रहे हैं, कोई जमीन पे नहीं आया। दिल्ली में देख लो आप, दिल्ली में जितना भी काम है सारा कागजों में, कोई काम पूरा नहीं है। और तो क्या है जो माइक्रो फाइनेंस के जरिए 10 सालों में बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराए हैं? ये क्या आपने कभी देखा है? इतिहास उठाना, कभी किसी प्रधानमंत्री को रोजगार शपथ पत्र बांटते हुए देखा है? जो शपथ पत्र प्रधानमंत्री दे रहा है कि जी हम नौकरियां दे रहे, कभी देखा है? नौकरियां निकलती है, नौकरी आती है और लग जाती है। यहाँ कोई नौकरी लग रही है? यूपी का हाल देख लो क्या हुआ है। जो नौकरियां निकली वो कैंसिल होगी, पेपर लीक हो जाता है। एक एक फॉर्म भरने की 1300-1300 रुपये फीस है। अब लगा कितने कई सौ करोड़ रुपए ऐसे चले जाते हैं बच्चों के, वो पेपर लीक हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और धीरे धीरे और सारे विकास होते जाएंगे। माइक्रो फाइनेंस के जरिए 10 सालों में बहुत सारी लाख नौकरियां मिली है। ये सब झूठ है, कोई नौकरियां नहीं मिली है। जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ है, ठीक है ना? जो भी विकास हुआ है, अब जो विकास होगा इस गठबंधन में होगा, अभी कोई विकास नहीं हुआ, ये सब झूठे बातें। ओके, आइए और कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ सर, आपका क्या कहना है कि जो आम आदमी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहना है कि 400 के पार जा सकते हैं, आपको क्या लगता है आप अपना सीट बचा पाएंगे? आप यहाँ पर कितने मार्च जीतने वाले हैं? 400 पार तो मोदी जी जो पेट्रोल डीजल महंगा करने वाले हैं, पब्लिक समझ चुकी है। 10 साल में उनके जुमले नहीं चलेंगे, पब्लिक समझ गई है। इस बार इंडिया गठबंधन को वोट हो रहा है और इस सीट से कन्हैया कुमार भारी मऊ से जीतने जा रहे हैं। उन्हें जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ सकती हैं? 350 बार इंडिया गठबंधन सीट जीतने जा रहा है, आप देख लेना इस बार को। अकेले आम आदमी की पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है? देखो इंडिया गठबंधन है, सीटें इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की कोई बात नहीं है। सिर्फ हमारा एक मेन मकसद है बीजेपी को हराना। उन्होंने गरीबों, महंगाई को इतना बड़ा चढ़ा कर दिया है, लोग परेशान है कारोबार को लेकर। जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आमदनी होगी इसलिए महंगाई बढ़ रही है। आमदनी तो हो रही है, आमदनी आटे पे, दही पे, दूध पे कभी टैक्स नहीं लगा। गरीब आदमी जो जरूरत की चीजें हैं रोजाना की, उन पर टैक्स लगा दिया। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बीवी बच्चे वाला आदमी हो तो वो समझ सकता है कि परिवार कैसे चलता है। मोदी के बीवी बच्चे तो है नहीं, वो क्या समझे किसी का दर्द जो है। परिवार ये जो चुनाव लड़ा
लड़ा जा रहा है, इंडिया गठबंधन लड़ रही है चुनाव में। मोदी जी ने 10 साल में सिर्फ जुमलों के अलावा कोई काम नहीं करा। यहाँ से प्रत्याशी मनोज तिवारी है, 10 साल में उन्होंने अपने काम पे चुनाव नहीं लड़ रहे। आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए कि मैंने ये काम करे, मुझे इस काम पर वोट दो। वो सिर्फ ये कह रहे मनोज तिवारी जी के मोदी जी को सिर्फ प्रधानमंत्री बना रहा है। प्रधानमंत्री बाद में बनाओ, पहले 10 साल में आपने क्या काम करे वो बताइए जनता को। भारत बन रहा है, जिस तरह से तरक्की कर रहा है, भारत विदेशों से जो भी चीजें निर्यात करते थे आयात करते थे, अब निर्यात कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी कहते हैं मैंने 16,000 करोड़ रुपए जमुना पार में लगाए। मैं कह रहा हूँ 16,000 रुपए आप बता दो कहाँ लगाए। एक तुम अपने शिलान्यास का एक पत्थर दिखा दो कि मैंने ये काम करे हैं। उन पे सिर्फ काम कुछ नहीं करा है मनोज तिवारी, सिर्फ नाचने गाने में लगे हुए हैं। अरे आपको जनता ने 10 साल दिए, 10 साल में आप जनता को काम करके दिखाते। आज ये जनता जो कन्हैया कुमार के साथ में खड़ी है, सिर्फ एक युवा पढ़े लिखे लड़के की वजह से उनके साथ में लगी हुई है। मनोज तिवारी जी को 10 साल में इतने मौके दिए, उन्होंने कोई काम नहीं करा। आइए कुछ और यूथ से बात करते हैं, अपना चाहेंगे सर, जो आप इंडिया गठबंधन आई है, क्या लगता है कितने सीटों से जीत सकती है? बिल्कुल 300 से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएगी आपकी। क्या लगता है कि आपने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास किए हैं, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती आ सकती है? आप इसको लूटा है, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे हमने काम किए हैं, उन्होंने ईडी के जरिए काला धन पकड़ा है। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि 2200 करोड़ का काला धन पकड़ा गया है। हम तो उन्हीं के पास है सारा, बॉन्डों के जरिए देखो ना आप, कंपनियों के जरिए इतना धन उन्होंने अपने अंदर किया। काला धन सारा उनके पास ही है, किसी पे कहा काला धन, सारे जनता से तो पैसा निकलवा लिया उन्होंने, सारा अपने पास कर लिया। काला धन सारा उन्हीं के पास है, मोदी जी के पास। अब क्या तो मोदी खत्म गए, अब ये आएंगे मोदी। विकास कहाँ किया है उन्होंने? विकास इन्होंने तो हिंदू मुसलमान किया, बस और क्या किया बताओ। वो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, लोग हमें बना देते हैं। करते हो तो साफ बोलते नहीं, कहते कपड़ों से पहचाने जाते हैं। वो क्या कहते हो, हिंदू मुसलमान ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। अब क्या तो बहुत खुल के बोला उन्होंने, नाम लिया उन्होंने तो। उनका कहना है कि विपक्ष उन पे सरासर झूठा आरोप लगाते हैं, उन्हें ताना साहब बोलती है। उनका कहना है कि विपक्ष उनके हमें सरासर झूठा आरोप लगाते हैं, उन्हें ताना साहब बोलती है। वैसा करते रहिए, जितने भी कारनामे विपक्ष अपना छुपाने के लिए हमें डाल देती है, हमें ताना साहब कहती है। अच्छा बॉन्ड किसके पास निकल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो निकाले हैं, बॉन्ड किसके पास है? बॉन्ड जो बुनाए किसके पास है? वो बीजेपी के पास ही है ना, किसके पास है? उनके तो खाते चीज और कर दिए, खाते बंद कर दिए ना उनके तो। एक और सवाल बार बार विपक्ष उठाता है, कहता है कि ईवीएम पे सवाल उठाता है, चुनावों पे सवाल उठाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है जितने 2014 के बाद जितना फ्रीडम में हुआ, इतना स्वतंत्र चुनाव एक हुआ, उससे पहले कभी नहीं था। जब भी चुनाव पहले करते थे, सांसद होता था या फिर सांसद बनता था या फिर राज्यसभा सांसद चुना जाता था, लेकिन अब जो यहाँ पे जो है चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र बना है और निष्पक्ष है पूरी तरह से। नहीं, जिस प्रकार नहीं। से आप कुछ नहीं गलत करते हैं, माहौल को देखा है। अब क्या नाम है, बेईमानी कर पसीनों में बेईमानी करवाते हैं। जो सफर तय किया है लोगों ने, अब देखो ना यूपी में कैसा हो रहा, निकल रहा है यूपी के अंदर पकड़े जा रहे हैं ना पसीनों। कैसे वोट डालना है, कई वोट डालना है, कि मशीनों के अंदर कोशिश तो विपक्षी बात कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए ईवीएम का रोना रोते हैं। मुद्दे कौन है, मुद्दे तो बहुत है, बेरोजगारी का, महंगाई का है नहीं, मुद्दे नहीं है, क्या है बताओ। उन्होंने तो कहा है कि हम बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराए माइक्रो फाइनेंस के जरिए, जो 5G के जरिए आया, बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है। रोजगार आपको मिला है, किसको मिला बताओ, आपको मिला है किसको मिला बताओ, मिला किसको मिला रोजगार, किसी को भी नहीं मिला। कितना वादा किया था उन्होंने, आए थे बताओ, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, दाल कहाँ पहुँच गई, सब्जियाँ कहाँ पहुँच गई बताओ, कितनी महंगाई है, लोग परेशान है। सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, 1100 का पहुँच गया, 400 से 1100 का हो गया बताओ, आप महंगाई कहाँ, कितनी महंगाई है बताओ।
कैसे आदमी घर का तलाक करेगा अपना। उनका कहना है कि 2014 से पहले भी महंगाई ऐसे ही बढ़ रही थी, अब उसकी जो धीमी गति हुई है वो धीमी हुई है। कम हुई है महंगाई? महंगाई तो बढ़ रही है। कितनी महंगाई बढ़ रही है? 400 का सेंटर, 1100 का हो गया। महंगाई इतनी हो गई, क्या करें, आम आदमी तो खा भी नहीं। आपको क्या लगता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि जब से हम आए हैं, उनकी सरकार आई है, महिलाओं को एक अलग से सुरक्षा मिली है, या फिर महिलाओं को मंचों पर ऐसे ही नहीं? औरों की बात तो मैं नहीं करना चाहती कि और क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा, स्कूलों के लिए बहुत कुछ किया, बच्चों के लिए बहुत कुछ करा, मेरी सेवा कर रही बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करा, उनको तीर्थ यात्रा कराई, क्योंकि खास उनके बच्चे करा भी नहीं पाते या कोई मजबूरी थी उनके साथ, लेकिन उन्होंने तीर्थ यात्रा कराई, सबकी दुआएं उनके साथ है, ऊपर वाले की दुआ भी उनके साथ है। और उसमें परेशान कौन होता है? जो काम करेगा आम जनता परेशान, उसका हक नहीं बनता है। और परेशान अगर कोई होता है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा महिलाओं को एक मतलब की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाएं जितनी सुरक्षित हुई है। मोदी राज में तो महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं, आपका जो वोटिंग पॉलिंग होता है ये गांधी बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्राइम मिनिस्टर महिलाओं के लिए एक संसद में बिल भी ला चुके हैं, ना उन्होंने कुछ किया ना करेंगे, उनके ऊपर भरोसा करना बेकार है, वो भरोसे लायक ही नहीं है। महिलाओं को जो एक बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, उनका कहना है कि महिलाएं 2014 के बाद ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाई, अपना खुद का रोजगार कर पा रही है हर सेक्टर में। कुछ नहीं कर रहे हैं, ना उन्होंने रोजगार दिया बल्कि रोजगार छीन लिया लोगों का। कोरोना टाइम में इतने लोग बेरोजगार, इतने लोग मरे हैं, इतने बीमार हुए हैं, इसकी तो कहने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा इन्होंने देश का बांग्लादेश से भी नीचे पहुंचा दिया, पाकिस्तान को ऊपर है, बांग्लादेश से भी नीचे पहुंचा दिया है। 2009 से बीजेपी राज में हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आप लोगों के सेवा में अपना अपना जीवन आपके हिसाब से बीजेपी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? आपको क्या लगता है दिल्ली में कौन आने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन आ सकती है? सरकार तो केजरीवाल जी की देखिए अभी स्वाती मालीवाल तो उनके साथ गलत हुआ, किसी ने देखा तो नहीं अभी ना, प्रूफ तो नहीं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो प्रूफ नहीं मिला, लेकिन ये तो कुछ भी कह सकते हैं ना महिलाओं के बारे में। इनका तो मेन मुद्दा कोई ना कोई अपना मुद्दा उठा रहा, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए उन्हें, ठीक है ना। काम करते हैं मोदी जी और कुछ नहीं।